प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रबंध कमेटी अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में हिमाचल को डायमंड स्टेट से पिछड़ा हुआ स्टेट बना दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया और कहा कि वीरभद्र सिंह बताएं कि उनकी और उनके पुत्र की लगभग 8 करोड़ की जो संपत्ति परिवर्तन विभाग द्वारा जब्त की गई थी उसका कारण क्या था। हमने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने केवल इतना कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल से सत्ता में है और जो पार्टी पिछले 5 साल से सत्ता में है उसको चुनाव के समय पर अपनी 5 साल की उपलब्धियों का वर्णन करना चाहिए, जबकि देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी 5 साल की उपलब्धियों की कोई चर्चा नहीं कर सकते कर रहे। उससे ये साबित होता है कि 5 साल में उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो जनता को बताने लायक हो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर जो वो सवाल पैदा कर रहे हैं, हमको इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार सरकार है और 3.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए इतना किया है जितना पिछले 50 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई है। और जो सबसे बड़ी बात केंद्र की सरकार ने हिमाचल के लिए की है कि हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा बहाल किया है, जिसके तहत 90% सेंटर से आएगा और 10% प्रदेश को देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के केंद्र की सरकार हिमाचल के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार जो है जो केंद्र से आ रहा है उसको खर्च भी नहीं कर पा रही है, ये हमको आज कहना है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि भाजपा यदि सत्ता में आती है तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने और किसानों के आय को बढ़ाने के पक्ष में कार्य करेगी और सभी स्कूलों को कंप्यूटरकृत करेगी। भाजपा हमेशा ही कर्मचारियों के हित में कार्य करती आ रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा की ही जीत होनी है, इसमें कोई शक नहीं। एक किस्म से कर्मचारियों का हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो हमने ये तय किया है कि सभी कर्मचारियों का हॉस्पिटल्स में इलाज कैशलेस किया जाएगा। एक किस्म से कर्मचारियों का बीमा किया जाएगा, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनका कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। 2006 शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। 5 साल सत्ता में रहने के बाद उन्होंने ना उसको 2006